दोस्तों गिरी टूटल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी की पूरी तैयारी की जा रही है, तो आप अच्छे से सिस्टमैटिक पूरे एक दिन के अंदर पूरा का पूरा आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलरेडी हमने पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन के दोनों फॉर्मेट, हिंदी का पेपर पैटर्न, सब कुछ वीडियो हमने बना दिया है। अब ये आपका वीडियो है विज्ञापन लेखन पे। विज्ञापन लेखन आपको जो कंपलसरी वहां पे विज्ञापन लेखन है, तो इसे आपको कैसे लिखना है। विज्ञापन में बहुत सारे टॉपर्स को ही बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमारे मार्क्स जो विज्ञापन में इतना अच्छा लिख के आते हैं और मिलता बहुत कम मार्क्स है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे हिंट दूंगा जिससे आपको विज्ञापन लेखन में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने देखो आउटलाइन बनाया। यहाँ पे आपका जो भी विज्ञापन का शीर्षक है वो आपको थोड़ा सा बड़े लेटर में लिखना है। देन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ये विशेषताएं, अगर जिसको कुछ नहीं आ रहा है ये वर्ड याद कर लो, दो तीन बार लिख लो, दो तीन विशेषताएं लिख देना है यहाँ पे। दो तीन विशेषताएं मतलब खासियत क्या है, समझ में आया। जैसे अगर किसी क्लासेस की खासियत होगी तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे लिख सकते हो कि प्रतिदिन टेस्ट, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हो रेगुलर टेस्ट को जो हम बोलते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे संपर्क है, संपर्क वर्ड याद रखना है। ये वर्ड भी अगर आपने लिख दिया ना तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। संपर्क में आप मोबाइल नंबर डाल दो, यहाँ पे आप पता डाल दो, समझे, पता है, पता, पता नहीं मत लिखना, पता। और बाद में यहाँ पे जैसे ये आपका कोई भी अगर समझो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कोई टाइम ड्यूरेशन के से रिलेटेड है, जैसे हॉस्पिटल का टाइम इतने से इतने बजे तक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा एक डिज़ाइन बनाओ जिसके अंदर आप डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। जैसे मैंने यहाँ पे 25% छूट दिया है। देन यहाँ पे अगर समझो कि आपके आपका कोई जो यहाँ पे विज्ञापन है वो कोई जैसे कि मार्कर से रिलेटेड है, पेन से रिलेटेड है, साड़ी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो डायग्राम आप बना सकते हो। तो इस तरह अगर आप पूरा का पूरा विज्ञापन करोगे तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मार्क्स आंसर होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक विज्ञापन है और यहाँ पे आपको बनाना है और इसमें ये सब चीज़ों को मेंशन करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके विज्ञापन में रही तो आपको मिलेंगे अच्छे मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे एक कालावधि बोला गया है और यहाँ पे आयु सीमा क्या होनी चाहिए, संपर्क बोला है उसके अंदर, और शैक्षिक योग्यता मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए इसके लिए। तो ये आप इस तरह से आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, पर विज्ञापन में संपर्क, ये पता, ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस समझ में आया, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट करना, और आप में से जो अच्छा कमेंट करेगा तो ज़रूर मैं आपके आप में से जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसे पिन करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक, जय हिंद दोस्तों।